नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीम। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। जी हां, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे और ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने यह सख्त फैसला लिया है। नतीजों के बाद जीतने वाला प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। चुनाव आयोग अभी अन्य पाबंदियां भी लगा सकता है और जल्द ही संपूर्ण गाइडलाइंस जारी हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है जबकि बंगाल में अभी एक चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। दरअसल कोरोना का संकट पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेजी से बढ़ा है और ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी, साथ ही वोटिंग से 72 घंटे पहले ही प्रचार बंद करने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब जब वोटिंग खत्म होने को है तो चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग डे की तैयारियां की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच बीते दिन ही मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह से चुनावी सभा पर रोक नहीं लगाई जिसमें बड़ी संख्या में भी एक जगह इकट्ठे होते हैं। फटकार लगाने के साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 2 मई को गिनती के लिए पूरा प्लान ठीक से तैयार किया जाए और अगर इस दिन किसी भी तरह की चूक होती है तो अदालत काउंटिंग पर ही रोक लगा देगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई इस गाइडलाइंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस का पूरा पालन किया।